हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। डिफेंस सिविल स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई जॉब वैकेंसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड ऑर्डनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट सेंटर के अधीन कार्यरत है। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो हमारी जो वैकेंसी वो आप देख सकते हैं, इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट सेंटर ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये है 31/12/2019 को ये आई थी। ठीक है, तो आप देखते हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन एंगेजमेंट ऑफ 56th बैच ऑफ आईटीआई और नॉन आईटीआई कैंडिडेट। ठीक है, 56वां बैच है ये आईटीआई और नॉन आईटीआई कैंडिडेट का, फॉर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ये वैकेंसियाँ यहाँ पर दी गई हैं। ऑर्डनेंस इक्विपमेंट आप देखते हैं, ऑर्डनेंस एंड ऑर्डनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट अक्रॉस इंडिया, अलग अलग राज्यों में ये है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली 6,060 के करीब ये वैकेंसियाँ हैं, 3,847 आईटीआई के लिए और 2,219 नॉन आईटीआई कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं नीचे जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज 10/1/2019 से जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 9/2/2020 तक आप 11:59 PM तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी जो एज लिमिट क्राइटेरिया आपका ये रहेगा 15 से 24 आपका 9/2/2020 के अनुसार आपका रहेगा। ठीक है, उससे पहले वाले अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट में जो एज रिलैक्सेशन जो आपको छूट मिलती है वो 5 साल की SC/ST के लिए, 3 साल की OBC के लिए और फिजिकली हैंडीकैप के लिए जनरल में 10 साल की, OBC में 13 साल की और SC/ST में आप 15 साल की आपको छूट दिए जा रही है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। फॉर आईटीआई कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अपर एज लिमिट इज फर्दर रिलैक्स्ड बाय पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ऑलरेडी अंडरगोइंग एज पर द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ NCVT और SCVT रिलेवेंट ट्रेनिंग, यानी NCVT SCVT जो इन्होंने कर रखी उनको एज लिमिट में भी छूट दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। फॉर नॉन आईटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए, ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन 50% मार्क्स होने चाहिए, 40% मार्क्स इन मैथमेटिक्स और साइंस इस प्रत्येक में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए और टोटल जो आपका एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके 10th में होने चाहिए और 40% मार्क्स आपके गणित और विज्ञान विषय में आपके होने चाहिए। आईटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्या है, NCVT और SCVT ट्रेड से आप पास आउट होने चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है, 10वीं में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए टोटल और आपका विद आईटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका आप देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल्स आपकी इस प्रकार आपको दी गई है। आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आपको OHB की ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो आपके बेसिकली आपको डिटेल्स चाहिए वो आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स ऑब्टेंड आपकी जितने हों वो आपके होंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं फोटोग्राफ्स आपका क्लियर स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए ताकि आपका जो है वो फॉर्म रिजेक्ट ना हो और उसी के साथ आपका मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हो और आपका 12 डिजिट आपका आधार नंबर होना चाहिए। ठीक है, 100 से 200 KB के बीच आपकी जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, स्कैन डॉक्यूमेंट आपके अप्लाई के टाइम आपका ये आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका वैलिड मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं, सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। आप देख सकते हैं दोस्तों जो सिलेक्शन है वो आपका मेरिट लिस्ट के मेरिट के आधार पर होगा। नॉन आईटीआई एक्स कैटेगरी द मेरिट लिस्ट फॉर नॉन आईटीआई कैटेगरी विल बी पेड फैक्ट्री वाइज ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन माध्यमिक और मेट्रिकुलेशन क्लास एक्स स्टैंडर्ड और ऑल सब्जेक्ट एंड इरेस्पेक्टिव बोर्ड। फॉर नॉन आईटीआई कैटेगरी इफेक्टिव विस वाइज कॉमन लिस्ट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड ट्रेड विल बी अलॉटेड फॉर बाई ईच फैक्ट्री ऑन मेरिट कम चॉइस बेसिस आफ्टर सिलेक्शन। द मेरिट लिस्ट फॉर एक्स आईटीआई कैटेगरी विल बी प्रिपेयर्ड फैक्ट्री वाइज एंड ट्रेड वाइज ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ परसेंटेज मार्क्स बोथ इन मेट्रिकुलेशन एंड आईटीआई मिनिमम 50% इन एग्रीगेट। ठीक है, आप देखते हैं इधर मेरिट लिस्ट पर आपका सिलेक्शन होने वाला है तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, बेहतरीन मौका आपके लिए एक
बेस्ड ऑन द वैकेंसी पोजिशन सेलेक्ट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड ओनली प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। जो आपका है प्रोविजनल सेलेक्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद क्या है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट इन केस ऑफ टू कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स, अगर किसी बंदे के दो सेम मार्क्स और परसेंटेज सेम है तो उन्हें क्या है, उनकी जो उम्र है ओल्डर एज है, जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको प्रायिकता दी जाएगी, ठीक है, उनको पहले लिया जाएगा। द डेट ऑफ बर्थ आर ऑल्सो द सेम, देन दी हु पास्ट मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन अर्लियर ईयर विल बी कंसिडर्ड फर्स्ट, जिन्होंने पहले दसवीं पास की है उनको प्रायिकता मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इस तरीके से वो फाइनलिस्ट अपने तैयार करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। रिजर्वेशन फॉर एस सी एस टी ओ बी सी, आप देखते हैं इस तरीके का रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपकी क्या रहेगी, फॉर आई टी एंड नॉन आई टी कैंडिडेट ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग शैल बी स्पेसिफाइड इन अप्रेंटिस एक्ट 1961 अप्रेंटिसशिप रूल 1998। अब देखते हैं ये आपकी रहेगी स्टाइपेंड आपका मिल, यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग आप देख सकते हैं 70% ऑफ मिनिमम वेजेज ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर नोटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर आपको ये स्टाइपेंड मिलने वाला है। सेकंड ईयर आपको मिलने वाला है 80% ऑफ मिनिमम वेजेज ऑफ सेमी स्किल्ड, नेक्स्ट थर्ड ईयर आपको 90% ऑफ वेजेस, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको देने वाले, नो अदर अलाउंस विल बी पेड ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, हाउएवर इन अ केस ऑफ एक्स आई टी कैंडिडेट पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ऑलरेडी अंडरगोन बाय देम विल बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ द डिटरमाइनिंग द ट्रेनिंग, ठीक है। आप देखते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन आपका किस तरीके से रहेगा, आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव ऑर्डनेंस एंड ऑर्डनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री के द्वारा, डेट टाइम एंड वेन्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आप देखते हैं उनका होगा, ठीक है। वे फिजिकल फिट होने चाहिए। नेक्स्ट आप जो पेमेंट फीस है वो आपकी 100 रुपये होगी, वो आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है दोस्तों। ये सभी के लिए सेम रहेगी आपकी, देख सकते हैं आप किसी भी तरीके से डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड के और कैश कार्ड से आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल फिट आप होने चाहिए, आप देख सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेटर आप देख सकते हैं वे किस प्रकार आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका आ गया है, जिस तरीके से चंडीगढ़ ऑर्डनेंस फैक्ट्री केबल फैक्ट्री चंडीगढ़ आप देख सकते हैं नॉन आईटी मशीनिस्ट, इधर ये वैकेंसी इन्होंने दे रखी है। पेंटर की है फैक्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर गन कैरेज फैक्ट्री है जहाँ पर ये आर्मी की जो गन वगैरह बनती है उनके लिए है, नॉन आईटी फिटर की, एक्स आईटी ट्रनर, एक्स आईटी मशीनिस्ट, मैकेनिक टूल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फिर मध्य प्रदेश के अंदर ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर ऑर्डनेंस फैक्ट्री इटारसी, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट देख सकते हैं आप, सेक्रेटरियल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर इंग्लिश, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी इन्होंने दे रखी है। ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमारिया जबलपुर अटेंडेंट ऑपरेटर आप देख सकते हैं, ऑर्डनेंस फैक्ट्री कटनी के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के अंदर, मशीनिस्ट इलेक्ट्रीशियन की, महाराष्ट्र के अंदर हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री करके पुणे के अंदर अटेंडेंट ऑपरेटर, इस तरीके से आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर है ऑर्डनेंस फैक्ट्री एम भाजारी, ऑर्डनेंस फैक्ट्री अंबरनाथ थाने महाराष्ट्र के अंदर ही भी पूछा गया है आप, इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑर्डनेंस फैक्ट्री वारनगांव, एमिनेशन फैक्ट्री खड़की पुणे उड़ीसा के अंदर, ऑर्डनेंस फैक्ट्री बदमल बोलंगीर तमिलनाडु, कोडी टाई फैक्ट्री अरवनकोडु तमिलनाडु के अंदर, इंजन फैक्ट्री अवधि चेन्नई ये तमिलनाडु के अंदर आप देख सकते हैं जितनी फैक्ट्रियाँ हैं। तेलंगाना के अंदर ऑर्डनेंस फैक्ट्री प्रोजेक्ट मेडक, उत्तर प्रदेश के अंदर ऑर्डनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री जो यहाँ पर आईटीआई वगैरह का टेलरिंग का जो काम होता है उनके जो हैं आर्मी वालों के जो सिलाई वगैरह जो कपड़े होते हैं जो उनकी ड्रेस यूनिफॉर्म होती है उनकी सिलाई इधर की जाती है। फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर के अंदर आप देख सकते हैं ऑर्डनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री, इधर से सभी का उनका निर्माण होता है आप देख सकते हैं दोस्तों।
स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर उत्तराखंड के अंदर भी है, उपटे इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री, राइफल फैक्ट्री शाहपुर कोलकाता। तो ये इनकी सभी प्रकार की अपनी ऑर्डनेंस फैक्ट्रियाँ थी। तो इनके अंदर आपकी पोस्टिंग की जाएगी, 3 साल के लिए आप वहाँ पर अपनी अप्रेंटिस कंप्लीट करेंगे तो आपको वहाँ पर स्टाइपेंड के रूप में आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। आपने अगर 10वीं पास है और आपने ITI कर रखी है या नहीं कर रखी, तो आप ITI और नॉन ITI कैंडिडेट बोथ के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप इंडियन आर्मी के साथ आप काम कर सकती है दोस्तों। ये काम करने का एक बेहतरीन मौका है ऑर्डनेंस फैक्ट्री के अंदर। उन्हीं का जो सामान होता है इंडियन फैक्ट्री का, जो बॉम्ब वगैरह होते हैं, राइफल वगैरह होती हैं, वह उन्हीं का काम होता है। उनकी यूनिफॉर्म सिलाई वगैरह ये सब आपको वहाँ पर अप्रेंटिस के अंदर सिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, क्योरी है फॉर्म रिलेटेड, फीस रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय तक आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।